प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 2 अप्रैल 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,700 के रिगार्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। साथ ही में बीटीएससी को लेकर के भी कुछ सूचनाएं हैं, नई बहाली को लेकर कुछ सूचनाएं हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपडेट देने वाला हूँ बीटीएससी एएनएम 10,700 के रिगार्डिंग में। जो भी स्टूडेंट्स इस भर्ती में आवेदन किए हैं, एग्जाम दिए हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट होने वाला है। जो सरकार ने एलपीए दायर किया था यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने, उसका आज सुनवाई होने वाला है। और लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा था कि जो 2 अप्रैल है दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट डे होने वाला है सभी एएनएम के लिए। क्या यहाँ पर लिया जाता है न्यायालय के माध्यम से फैसला, जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार आज की डेट में फैसला आपको सुनाया नहीं जाएगा। हो सकता है सुना दिया जाए या फिर नहीं भी सुनाया जा सकता है, ऐसे चांस कम है, क्योंकि यहाँ पर सीरियल नंबर 26 में भी रखा गया, थोड़ा सा पीछे रखा गया है। करीबन आप लोग का ये जो सुनवाई है दोस्तों, वो 12 बजे के बाद होने वाला है, ये अपडेट आप समझ लीजिए। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, अखबारों के माध्यम से यही बताया गया था कि 2 तारीख को अंतिम फैसला सुना दिया जा सकता है, यानी कि एक तरीके से निर्णय आ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या निर्णय आता है। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको बता रहे होंगे कि ये होगा, वो होगा, इनके पक्ष में केस है, उनके पक्ष में केस है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो केस है दोस्तों, ये 50-50 दोनों साइड में है। जी हाँ दोस्तों, 50-50 दोनों साइड में है। अगर 50-50 दोनों साइड में नहीं होता तो आप ही समझिएगा, दो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन भी चाहता, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें आप देख रहे हो दोनों साइड से मजबूती से पक्ष रखा जा रहा है, इसी कारण से इस केस में जान बना हुआ है। तो ये अपडेट आप लोग को भी समझना होगा दोस्तों। अब इसके बाद बात करने वाले हैं दूसरी अपडेट को लेकर के, बिहार में फार्मासिस्ट की कमी पर हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार में आपको जैसा कि पता है कितने फार्मासिस्ट यहाँ पर नहीं है, मतलब कि अस्पतालों में कार्यरत नहीं है, तो उसी पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। यहाँ पर पूरा अपडेट आप पढ़ पाइएगा। योग्य फार्मासिस्ट के बावजूद दूसरे कर्मियों से काम लेकर के यहाँ पर कराया जा रहा है, वो यहाँ पर है। और ये जो कोर्ट का सख्त आदेश दिया गया है, राज्य के सरकारी निजी अस्पतालों में, नर्सिंग होम में फार्मासिस्ट की यहाँ पर नहीं होने के कारण से मामला पर यहाँ पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ। योग्य फार्मासिस्ट के बजाय दूसरे कर्मियों को काम पर लिया जा रहा है। अब इसी को लेकर के राज्य सरकार ने 29 अप्रैल तक यहाँ पर जवाब मांगा था कि आप इसका जवाब दीजिए कि यहाँ पर क्यों नहीं फार्मासिस्ट कार्यरत हैं, तो उसी को लेकर के वो अपडेट जारी किया गया है। साथ ही में नेक्स्ट अपडेट एक इम्पॉर्टेंट और स्वास्थ्य विभाग की एक तरफ से गुड न्यूज निकल कर आ रहा है, ध्यान से इस अपडेट को समझिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार किया गया है, जहां पर कि जो भी प्रखंड होते हैं उन सभी प्रखंडों के हाईवे के किनारे बनाया जाएगा ड्रामा सेंटर। देखिए क्या होता है कि सड़क दुर्घटना में कई बार यहाँ पर सड़क दुर्घटना होते हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों को मौत हो जाता है। अब इसका एक कारण ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल वहाँ पर स्थित नहीं होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होते हैं, तो उसको लेकर के ड्रामा सेंटर बनाया जाएगा प्रखंडों के हाईवे के किनारे, जिससे कि जो दुर्घटना होता है उसे तुरंत से तुरंत उनको इलाज मिल सकेगा दोस्तों। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत होने वाला है दोस्तों। इसके बाद अपडेट देने वाला हूँ एक और अपडेट को लेकर के, लैब टेक्नीशियन और यहाँ पर वेट टेक्नीशियन की अवधि विस्तार को लिखा गया है पत्र। अपडेट रिसेंटली ही है, 2/4/2024 यानी कि 2 अप्रैल के डेट में जारी किया गया है। यहाँ पर आप पूरा अपडेट पढ़ सकते हो। सूबे में सभी मेडिकल कॉलेज में मानव बल के बहाल किए गए लैब टेक्नीशियन और वेट टेक्नीशियन कार्य अवधि को लेकर के रविवार को समाप्त हो गई है। अब अवधि के विस्तार को लेकर के, रविवार को अंतिम दिन था, इसकी उपरांत में यहाँ पर अवधि विस्तार को लेकर के विभागीय को लेटर लिखा गया है, ज्ञापन सौंपा गया है कि आप लोग हमारे जो यहाँ पर संविदा पर हम लोग कार्यरत हैं, हम लोग का जो समय है उसे बढ़ाया जाए, जो 11 महीने के लिए कार्यरत है उसे आगे करके विस्तारित किया जाए। और बाकी सरकार को भी इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, और जो संविदा पर काम कर रहे हैं उन लोगों को परमानेंट करना चाहिए।
तो दोस्तों आज की डेट में यही कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। सबसे पहले तो बीटीएससी एनिम 10,700 के कोर्ट की रिगार्डिंग में अपडेट मैंने आप लोग को दे दिया। आज की डेट में एक अहम फैसला आप सभी के लिए आ सकता है। एनिम के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे ही फैसला आता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इसके बाद अपडेट दिया मैंने आप लोग को फार्मासिस्ट की कमी को लेकर के, जो अपडेट है वो मैंने आप लोग को बताया, और भी कुछ अपडेट्स थे वो मैंने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कुछ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।